वेरी गुडर वेरी गुड आफ्टर सो हाउ आर यू पीपल डूइंग कैसा रहा कैसा चल रहा है ब्रेकफास्ट डिड यून टेक इट किया नहीं किया और सुबह की शुरुआत कैसी हुई है यानी अच्छी अच्छी वाली हुई है वो बेहतरीन वाली मॉर्निंग हुई है या फिर uh, थोड़ी लाउजी सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाउजी एल ओ यू एस वाई सी राइट right? ओके okay. इसके पहले कि हम लोग और वो कैब में निकल जाए क्योंकि एक बार जब मैं वो कैब शुरू करती हूँ तो वो बंद ही नहीं होते Now, uh, okay, oh, मानस ओ मैम एर स्पॉर्डिंग की क्लास कब से होगी चिन्मय एर स्पॉर्डिंग की क्लास कल से है कल से फॉर टू डेज दैट इज टूमोज ट्यूजडे राइट सो एंड अपन लोग स्पॉट यही एरर वाला ही क्लास रन आउट करेंगे साइंस लवर ओके फाइन हे साइंस लवर अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लिश लवर ओके रिदा हे हे गुड आफ्टरनून रिदा थैंक यू थैंक यू डियर सो डू यू सो डू यू गुड आफ्टरनून वंदना गुड आफ्टरनून सो फाइनली आई थिंक द गैंग इज रेडी हमारा गैंग तैयार हो चुका है और अगर गैंग शुरू हो ही चुका है हमारा रेडी हो ही गया है तो बिना कोई स्यापा काटे हम वापस तो नहीं जा सकते सो लेट्स बिगिन विद इट हमने कल बिगिन किया हुआ था पैरा जम्बल स्टफ राइट right? आज भी वी आर हैविंग टू क्लासेस 12:30 अभी की हमारी क्लास इसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगी दोपहर में दो तो बजे राइट right? और उस वक्त हम प्यारा जंबल को बोलेंगे एक प्यारा वाला गुड बाय एंड सी यू अगेन वाला कॉन्सेप्ट ओके okay. वेरी गुड आपने सो पैरा में हम शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले के क्योंकि जानते हो मुझे बहुत अच्छे से मालूम होता है जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही डिवाइडेड होता है तो हम क्या करेंगे पहले हम एक बार चेकआउट कर लेंगे कि पैरा जम्पलिंग में अब तक हम लोगों ने क्या समझा है क्या सीखा है किस बात को देखा है कि इसको नहीं देखना है और किस बात को देखा है कि इस पर जरूर ध्यान देना है पैरा जंबल में मेरी जान आपको करना क्या होता है देर आर थ्री वेज और ये लैडर वे होते हैं लैडर वे ठीक है लेकिन ये लैडर इन नहीं करती ऐसे ऐसे डिक्लाइन फॉर्म में आती है एग्जैक्टली हिमेंद्र हिमेंद्र इज वेरी गुड आफ्टरनून आपने करना क्या होता है पैरा जंबल्स में आई हो पैरा जंबल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं बट ऑफकोर्स उसमें एकदम स्टार्टिंग में एक सेंटेंस आपको दिया होता है और फाइनली एक एंड सेंटेंस दिया होता है आपने क्या करना होता है कि

अंग्रेजी से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब सिर्फ एक है और वो है और यू नीड टू ट्रस्ट इट आई होप दैट माय आई मेड ऑल द आंसर्स वेरी क्लियर ओके नाम लेट्स सी वन थिंग सो पैरा जंबलिंग में हमने ये सीखा हुआ था जो पहली लाइन है अगर उसमें फुल स्टॉप नहीं है तो आप उसको ये चेकआउट करो कि वो लिंक करके अपनी लाइन कंप्लीट कहां करता है अब बात समझ रहे हो लेकिन अगर उसमें फुल स्टॉप है तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें ढूंढ निकालनी है वो ये होती है कि जो ऊपर इंट्रोडक्शन यानी पहली लाइन दी गई है उसके बारे में और कौन बता रहा है मतलब एकदम रिलेटेड जैसे ऊपर डैडी के बारे में जिक्र हो रहा है तो तुरंत ही या तो मम या उनकी फैमिली का जिक्र होगा तुरंत ऑफिस नहीं भागेंगे या तो डैडी के ही नेचर के बारे में बात होगी इस तरह से करना होता है पहला वाला जब देखते हैं लेकिन अगर मान लो पहला वाला सेंटेंस बंद कर दिया गया है और उससे रिलेटेड बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा नई नई बातें निकल के आ रही है तो ये चेक करो जो चार है तुम्हारे पी क्यू आर एस इनमें से वो दो भाई कौन है जो आपस में जुड़े हुए से लग रहे हैं और यकीन मानो नाइनटी नाइन परसेंट ये जोड़ा मिल जाता है आपको बस आपकी अपनी किसी भी लेट इट बी पैरा जम्बल लेट लेट इट इट बी एरर डिटेक्शन बी डालेंगे क्लोज टेस्ट तुम्हारा रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है कुछ नहीं होएगा मैं तुमको पहले बता रहा हूं कोई सब्ज भाग नहीं दिखा रही मैं आपको यू नीड टू बी इन टू द रीडिंग प्रैक्टिस और कुछ भी रीड कर अंग्रेजी में बोले तो कुछ भी ओके ना रवि दो दिन क्या किस लिए रवि अब हम साथ थे राइट साथ रहने की वजह से बोर हो रहे हो तुम हाउ हाउट यू ओके नरेशन एंड एक्टिव पैसिव पैसिव चिन्मय नरेशन और एक्टिव ऑलरेडी द हैज द्लासेज गिवन मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ बेबी जो वीडियोज है वो पड़े हुए हैं आप प्लीज उसको चेकआउट करो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ ढेर सारे वीडियोज वहां पे हैं रोमा मैम के प्लीज गो एंड चेक इट आउट ताकि जब हम एक बार फिर से उसका रिवीजन पैटर्न और एडवांस लेवल टच करें तो कम से कम तुम्हें ये तो मालूम हो ओके मैम हम दो दिन बाद मिले हैं ओह ओके हिमेंद्र आपकी आदत सी हो गई है लगे ही नहीं कि आप थे नहीं वहां पे एनी वेज एनी वेज वेलकम बैक एंड आई होप यू आर गुड यू आर डूंग गुड और ये जो दो दिन का गैप रहा इसमें आपको थोड़ी सी कमी महसूस हुई होगी अंग्रेजी की ओके, वाएन, वाएन, है. में, ये मैं इस लड़के का मैं क्या बताऊ एनी चलो अब शुरू करते हैं आज का लेवल हमने इसके पहले यहाँ पे खत्म किया हुआ था तो यहाँ जितना भी ये ये फैला हुआ था जो इतनी चीछा लेधर हो रखी थी ये मैंने इसको साफ नहीं किया कहा ताकि मैं तुम्हें तो दिखा सकूं देखो अपन लोग इधर से ही किए थे तो इधर से ही शुरू कर रहे हैं ना so, like oh, oh, oh. है रजिस्टर है में कह को बोलती हूं आपको रखने के लिए इसलिए ताकि मेरी जान जब कोई भी अल्फाबेट का मैं तुमको मीनिंग बता रही हूं उसे प्लीज लिख ले क्योंकि मैं यहाँ नहीं, नहीं कई बार याद नहीं होता है सो so, I don't want you to be at any loss. Okay, fine, it is. Class name, ma'am. Um, Good afternoon. Good afternoon, Ravi. Good afternoon. Okay, fine. Let's begin. One, two, three, go. Let's begin with it. Question number 12. Let's see. line. Typically, the personality and habits of a person are gouged by the kinds of friends he has. Right? और बात खत्म कर रहे हैं वी नीड टू जज पीपल नॉट बाय द कंपनी दे कीप बट बाय देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज अब पहले टिपिकली जो पर्सनैलिटी और हैबिट है एक शख्स की वो देखी जाती है इस बात से कि वो किस संगति में है यानी उसके दोस्त कैसे हैं और लास्ट वाली लाइन बिल्कुल इसकी विपरीत है वो ये कह रही है वी नीड टू जज पीपल नॉट बाय द कंपनी दे कीप बट बाय द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज अब यहां जहां ये कह रहा है कि दोस्तों से ही पता चलता है कि लोग कैसे हैं Belly line. However, as they say, opposites attract. So it is quite possible that we make friends of opposite nature S by accident, chance, or out of ignorance, invalidating the above statement. Therefore, if a man has good, well behaved, and respectable friends, he is uh, ad uh, okay. adjudged to be the gentleman. Usually, a man seeks the company of like minded people. On the other hand, if his friends are not so reputed, oh, I got the answer. ये कोई एक कंजंक्शन है जिससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ढूंढ लो शुरू करो शुरू करो शुरू करो यस रवि यस रवि तब ठीक है थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी आई एम गुड थैंक यू सो मच बेटर हो रही है बेटर हो रही है आप लोग ऐसे मिलते रहा करिए आई होप और बेहतर हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी रवि सेंटेंस प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है हे हाय क्राम हेलो गुड आफ्टरनून रवि गौर हैविंग आंसर ए एक का तो ऑप्शन आ गया एक ने आंसर अपना चुन लिया ए है एवरीबॉडी सेंटेंसेस क्लियर आई होप ओके गुड यानी ये सही जा रहा है फिर से ए आया एक ऑप्शन सी का भी आ रहा है आई लाइक यू फॉर टीचिंग थैंक यू थैंक यू सो मच एंड आई आई लाइक टू टीच यू लेट मी कंप्लीट दैट एनडीए बाबू ने सी बता दिया और प्रतीक त्रिपाठी ने बता दिया ए सो so, अब आपका काउंट डाउन शुरू हो रहा है फाइव फोर थ्री टू वन स्टॉप इट इट्स ओवर लेट्स सी आप में से जितने लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए हो दो ही वजह हो सकती है या तो तुम्हारा आलस है जिसको तुम छोड़ दो तो बेहतर है राइट right? और दूसरी चीज या तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो चल के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आते हैं अ हे हाय 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 गुड 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 आफ्टरनून 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 वेरी लेट्स सी पहला वाला सेंटेंस कह रहा है टिपिकली पर्सनालिटी और हैबिट लोगों की जानी जाती है इस बात से कि उनके फ्रेंड कैसे हैं राइट right? अब इसके बाद अगर मैं ये चार लाइन पढ़ती हूँ हाउ एवर जैसा कि कहा जाता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं सो क्वाइट पॉसिबल है कि जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं वो ऑपोजिट नेचर के हूँ बाय एक्सीडेंट या चांस ऐसा हो सकता है कि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस हो वो गड़बड़ हो यानी विपरीतार्थक हो देर फोर इसलिए इफ अ मैन हैज गुड वेल बिहेव एंड रेस्पेक्टेबल इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो शख्स भी अच्छा ही होगा अक्सर मैन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने ही तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर जैसे हिंदी बोलता है चोर चोर मोहसेरे भाई राइट right? अब नेक्स्ट कह रहा है और कर रहा ऑप्शन इज द लास्ट वन द डी वन द डी वन इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन मैं फिर से बोल रही हूं एवरी वन रिपीटिंग माई सेल्फ ओके अनंत इज देयर हे हाय अनंत वेरी गुड आफ्टरनून क्वेश्चन नॉट शोइंग क्लियरली ये थी ओके फाइन नहीं नहीं ये हो गया था देर वॉज समय वॉज समॉब्लम नाउ इट इज फाइन ओके 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 आई होप नाउ आई से मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपने बताया कि वीडियो वीडियो के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था रुक सा गया था सम अगैन इट so मैं फिर से आपको बता रही हूँ आप में से कई लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया ए का विच इज इनकोरेक्ट सही नहीं है कुछ लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया सी का ये फिर से गलत है सही ऑप्शन जो है वो हमारा डी आने वाला है अब एक बार हम चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है इज इट हैपनिंग बेबी ध्यान देना यहाँ पे दो ऐसे सेंटेंस है जो कंजंक्शन के द्वारा जोड़े गए हैं अब कंजंक्शन से कैसे मतलब कंजंक्शन क्या करता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है राइट तो ये वाला सेंटेंस देखो एस वाला ये कह रहा है ऑन दी अदर हैंड ऑन अदर हैंड का क्या मतलब होता है वही दूसरी तरफ तो मेरी जान अगर वो कह रहा है कि वही दूसरी तरफ ऐसा है तो पहले ये तो देखो कि पहला कैसे है पहली तरफ क्या था अगर मैं आपसे ये कहती हूं वहीं दूसरी तरफ वो रोने लगा तो आपको लगेगा मैम पहले क्या हुआ था अरे पहले वो हंस रहा था मतलब जहां वो दूसरों को हंसाता है वहीं दूसरी तरफ वो रुलाता भी है अब जाके सेंटेंस क्लियर हुआ राइट तो जब ये कह रहा है ऑन दी अदर हैंड इफ फ्रेंड्स इसबल नॉट रेप्यूटेबल है और मिसबिहेव है तो इसका उल्टा क्या होगा रेप्यूटेड वेल बिहेव क्यू वाले को देखो इफ अ मैन हैज गुड वेल बिहेव एंड रेस्पेक्टेबल फ्रेंड्समैन एक तरफ जब एक, एक इंसान का अच्छा दोस्त होता है रेप्यूटेड होता है मैनर वाला होता है तो उस शख्स को अच्छा इंसान माना जाता है वही दूसरी तरफ अगर उसके दोस्त वाहियात है एवी तैवी है तो उस शख्स को भी वाहियात या एमी तैवी ही माना जाता है राइट right? और इंग्लिश में एमी देवी को बोलते हैं टॉम हैरी बस एमी वाले लोग ठीक है जैसे कहते हैं ना कि आ, कोई आ, एरा गा खेरा काइंड ऑफ उसको इंग्लिश कहता है टॉम डिक एंड गॉट इट सो so, अभी क्या है हमको चाहिए क्यू का ऑपोजिट एस आ रहा है और पहले क्यू आएगा और उससे जुड़ता हुआ एस आएगा क्योंकि कंजंक्शन ऑन दी अदर हैंड जोड़ा गया है तो क्यू के बाद एस तुरंत जोड़ने वाला यहां कोई नहीं था वो ये था और अब ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है या नहीं एक बार पूरा पढ़ के देख लेते हैं टिपिकली अक्सर ऐसा होता है कि पर्सनैलिटी और हैबिट जो एक शख्स की होती है वो आकी जाती है इस बात से कि उसके दोस्त कैसे हैं ठीक फिर हम क्यों प्यार हैं ओके okay. इसीलिए इसीलिए अगर एक शख्स का दोस्त अच्छा होता है तो उस शख्स को भी अच्छा माना जाता है लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका दोस्त बुरा है तो लोग उसे भी बुरा शख्स ही मानते हैं आर यूजुअली एक यूजुअली जो होता है अक्सर लोग अपनी ही लोग कंपनी जैसे लोगों को, को फ्रेंड्स रखते हैं यह गया आर और लास्ट में पी हाव एवर हाव एवर मतलब अपने ही जैसे लोगों को वो रखते हैं लेकिन हाव एवर ऐसा देखा गया है कि यह कहा जाता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है इसलिए ये एक विरोधाभास भी हो सकता है तो मेरी जान यहां पे हो क्या रहा था यहां पे कपल हो रहा था दो सेंटेंसेस का एक कंजंक्शन से जोड़ करके वो तुम्हें बता रहा था और दूसरा वो बता रहा था कि यूजुअली कंपनी लाइक माइंडेड लोगों की होती है और यहां पर वो कह रहा है ऑपोजिट तो अट्रैक्ट ये दोनों साथ में आएंगे ना सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट और अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी का भी आंसर सही नहीं हो पाया, यानी आज के सेशन की बोहनी एकदम बर्बाद हो गई ऐसा नहीं है हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे मैं तो कर लूंगी तुम्हें भी करना है कोई क्वेश्चन इसमें भी आया चल रहा चल है चल चल नेट चल रहा है ठीक है मेरा नेट चल रहा है तभी तू फंसा है नेट चल रहा है ओके फाइन इट इज ना लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन चल 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 शुरू होते हैं शुरू करते हैं लेट्स सी ओबेसिटी इज कॉज बाय एन एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी इट इज द मोस्ट प्रेवलेंट मेडिकल प्रॉब्लम हैविंग अगेटिव इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड ये एक ऐसी शारीरिक बीमारी मानी जाती है जिसका दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है राइट right? अब हम पढ़ते हैं और लास्ट वाली लाइन कह रही है मेकिंग इट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू क्रिएट अवेयरनेस यानी लास्ट में पहले यह बताया गया है कि एक बीमारी है और बाद में बताया गया है कि अवेयरनेस जरूरी है तो अब हम शुरू करते हैं बीच की चार लाइन क्या हो रही है बीमारी से रिलेटेड वो क्या मतलब एग्जैक्टली exactly क्या क्या चल रहा है देखते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर अभी अभी नहीं आ सकता कई को क्योंकि लास्ट में कुछ बता रहा ना हमने कोई तो अभी उसको अभी उसको संभाल के रखते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्योंकि जैसे ही बीमारी बताएंगे तुरंत जैसे मान लो मैं आपको आ, डेली के बारे में कुछ बता रही हूं डेली के बारे में तो तुरंत मैं आपको बैंगलोर के बारे में नहीं बताने लगूंगी पहले मैं डेली की अगर मैं आपको डेली के बारे में बता रही हूँ तो अच्छा बताऊं आपको यानी अगर मैंने कोई टॉपिक शुरू किया है फॉर ऐसे मान लो कि अगर मैं कह रही हूँ एक राजा था उसकी इतनी रानियां थी क्योंकि राजा की एक रानी बड़ी मुश्किल से सुनने में आता था तो एक राजा है उसकी अनगिनत रानियां हैं है ना टू मच ऑफ अ ड्रामा है अभी ऑल ऑफ अ अडन पर तुरंत नहीं कह सकती कि फिर राक्षस आ गया नो 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 पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा बीमारी के बारे में कौन बता रहा है एक्सरसाइज स्पोर्ट्स ये तो फिर वही बात होगी ना राइट नेक्स्ट वन सीवियर हेल्थ कॉम्प्लीकेशन ये बता रहा है और लास्ट लाइन बता रही है यानी सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है ऐसे लोगों को जो ओबेस होते हैं जिनमें एक्यूमलेशन ऑफ फैट बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों के साथ सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है क्योंकि बॉडी शेमिंग का वो शिकार होते हैं और उसके लिए वो अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पाते so, all of you, your time starts now. Check करो के के दो में वो prevention के बारे में वो बारे बता रहे हैं और क्या-क्या करना चाहिए और लास्ट के दो में वो ये बता रहे हैं कि the, obesity से रिलेटेड बातें क्या क्या हैं सो प्लीज चेक इट आउट एंड गिव योर आंसर योर टाइम स्टार्ट नाउ इफ देर इज एन एन नॉइज फाइन मेरा तो सही हो गया मैं मैं तो मैं तो मैं तो एग्जामिनेशन क्लियर कर ही सकती हूँ अनडाउटेडली बस कर नहीं रही हूँ क्योंकि तुम लोग कर लो डू इट फास्ट आर क्यू पी यू गुड आफ्टरनून भूषण एस आर क्यू पी ओके सी सबके सी ही आ रहे अच्छा एक डी भी आ गया चिन्मय का डी आ गया ठीक है सी 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 एस आर पी फाइन सी ऑप्शन चलो 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 इसके पहले के मैं काउंट डाउन बिगिन करू आप शुरू कर दीजिएगा आप बिगिन करें फाइन फाइव फोर थ्री टू वन टूर लास्ट इट्स डन इट्स ओवर लास्ट आंसर आई गॉट इट फ्रॉम शिखा गोस्वामी एंड शी ओके फाइन मैच वी गिव ओके फाइन ओके गिव द लास्ट लास्ट आंसर दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी एज द करेक्ट वन अभी मैं नहीं कह रही कि बिकॉज अपने पास दो चॉइसेस आई है ऑप्शन सी पे तो सब टूट पड़े थे ठीक है ये सामूहिक हमला था और एक ऑप्शन हमारे पास डी का भी आया था तो चेकआउट करते हैं यानी इन दोनों को दफा कर देते हैं। और मैं आपसे इतफाक रखती हूं सो टू क्रॉस द आर हैविंग ओनली टू ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन आंसर अब हम चेक करते हैं ओबेस्टी के बारे में बताया था तो पहले हम उसकी प्रॉब्लम यानी के बारे में जान लेंगे उसकी प्रॉब्लम नहीं बट उसके बारे में तो उसके बारे में पहली बात क्या बताई जा रही है और दो बातें हैं जिसके बारे में अभी बोली जा रही है एक है सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आता है राइट और दूसरा ये बता रहे हैं सोशल स्टिग्मा इज अटैच टू तो द तो ओबेस पीपल एक सोशल स्टिग्मा होता है यानी कि ये ओ, मतलब फिजिकली क्या है वो नहीं वो मेंटली बता रहे हैं राइट सो फर्स्ट यू गुन जो स्टार्ट विदल एबिलिटी उनके साथ क्या होता है वो जो बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं जब वो बाहर जाते हैं जब कहीं बाहर निकलते हैं स्कूल कॉलेज कहीं होते हैं तो जो कुछ उन्हें झेलना देखना जानना पड़ता है वो एक अलग लेवल का ट्रामा है तो हमारा सेंटेंस शुरू करेगा एस वाला वो सीधे बीमारियों के नाम नहीं बताएगा पहले वो बताएगा कि ये ओबेसिटी में झेलता क्या है इंसान तो पहले मेंटल झेलेगा फिर फिजिकल झेलेगा ना सो so, पहले मेंटल पकड़ेगा वो तो पहले मेंटल पकड़ने में क्या हो रहा है एस तो यानी अपने को वो ऑप्शन चाहिए जिसमें पहले एस yes हो बाकी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी इट वॉज दैट इजी इसीलिए बडी मैं कोशिश पूरी यही करती हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊं तो जब भी मैं मेरी हेल्पिंग टीम को बोलती हूँ कि ये ये सारे क्वेश्चन डाल देना आप ये क्वेश्चन -ये बनाए हुए हैं सिलेक्टेड है इनको डाल देना ये इंपॉर्टेंट है इन्हें डाल देना ये सॉल्व मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही करूंगा ताकि मैं ये समझ पाऊं कि क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो तुमको ये नहीं लेके वो लग गया सो so, डार्लिंग आप ये मान के चलो कि जितना तुम मेहनत कर रहा है ना तेरे साथ कर रही होगा तो, एस so, वाला आ गया तो अब बताओ टाइम वेस्ट था ही नहीं किधर एक ही ऑप्शन ही था हमारे पास एस का तो ये करके देखा मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था ना पहला वाला बात से जो भी तुम लिंक करेगा अगर वोई है तो देखो किधर अभी और कुछ सोचने का टाइम मिला सो आई एम सो सॉरी योर ऑप्शन फॉर दिस दिस टाइम बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम किया है ah, okay. सबको ट्रॉफी जरूर चाहिए होती है ah, ट्रॉफी एक टीचर के लिए इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती हिमेंद्र फॉर दिस क्वेश्चन दोस टू हिमेंद्र व्हाट सिंह राणाजी ठाकुर साहब ट्रॉफी वो यू एंड कीप इट अप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी इसको मेंटेन रखो एवरी वन रेडी लेट्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट नाउ वन टू थ्री गो स्टार्ट रीडिंग इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू फील लेट डाउन लेट डाउन मतलब बुरा महसूस करना लेट डाउन और हर्ट आफ्टर अवर फेमिलियरिटीज विदर्सन इनक्रीजेस डाउनफॉल ऑफ द रिलेशनशिप जैसे जैसे हम लोगों को जानना शुरू करते हैं और हम हर्ट होना शुरू हो जाते हैं क्यों क्योंकि जब तक हम लोग जानते नहीं रहते ना तब तक नोटंकी दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं जो हम है नहीं लेकिन जब हम जानना शुरू करते हैं तो क्या होता है फिर क्लैशेस आते हैं फिर हम एक दूसरे की अच्छाई नहीं बुराई भी जानते हैं ये बात कर रहा है शुरू अंत कर रहा है दिस डूल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन अब ये बात कर रहा है ये दो तरफा बिहेवियर ये दो धारी तलवार तो अब हमें देखना पड़ेगा दो धारी तलवार इनमें से वो था कौन कहा दो धारी बात हो रही थी तो so, शुरू करते हैं यहाँ पे कि जब एक इंसान एक इंसान को जानने लगता है वही से उसके अन, मतलब वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्यों क्योंकि अब आप इंसान का अच्छा ही नहीं बुरा पहलू भी जानते हैं ओके यो वेलकम यौवाल यो वेलकम मैम चीटिंग चीटिंग कुछ भी कुछ भी कुछ भी मैं चीटिंग नहीं करती बकवास ना करने से हु इज दिस भूषण आउट okay, करो मैं read out कर दे रही हूं आपके लिए इट इज ये तब होता है तो ये पहले तो होता ही नहीं है Whenever a new रिलेशनशिप begins जब भी नया रिलेशनशिप शुरू होता है ये नया रिलेशनशिप की शुरू होने की बात कर रहा है नेक्स्ट ये कह रहा है द रियल characteristics आर noticed सही कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस होते हैं ओनली वेन द रिलेशनशिप बिकम्स क्लोज जब रिलेशनशिप क्लोज आ जाता है तभी नोटिस किए जाते हैं This then the focal point of fight. और वही से शुरू होती है और जब आप लोगों के क्लोज आना शुरू होते हैं वहीं से शुरू होती है दिक्कतें और अब आप हर ठहना महसूस होते हो जब आप लोगों को कहते हैं ना तुम बदल गए ये वहीं से शुरू होता है तो जरा जो ये बात कर रहे हो सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन सी है ढूंढो अगर ढूंढोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन में थोड़े से कुछ कमी आएगी करो करके देखो आई एम वेटिंग फॉर यू मैं हट जाती हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब नहीं हो करो उधर चला जाओ डुए कितने दफे दिल ने कहा दिल की सुनिए कितने दफे डन इट इज ओके ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं भूषण का ऑप्शन आ रहा है क्यू आर पी एस बी ऑप्शन एक ऑप्शन हमारे पास आ गया ये भूषण का आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट नाउ देन ए हिमेंद्र सेज ए इज द ऑप्शन ओके एनीबॉडी एल्स अ उप्स उफ््स उब सुरभि பதन में इसको रीड नहीं कर पा रही कोई शायद लीला आई जस्ट लव दिस ओके और थैंक यू रितिका थैंक इट्स सो डू आई सो डू आई आई जस्ट लव दिस वन ओके फाइन अभी काउंट डाउन बिगिंस आप लोगों ने देर कर दी इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन को सॉल्व करने में ठीक है ओके फाइन बी बी रवि हैज सेड डी रवि इज सेइंग डी ओके गारे एंड देन शिका सेज बी पाएंगे. Says B. Okay, लोग बी के लिए हैं। क्या ओके okay, ठीक no है, है जब लोगों के बारे में जानना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो हम शुरू करें रिलेशनशिप जब रिलेशनशिप शुरू करेंगे तब तो वहां तक पहुंचेंगे हम भाई साहब रिलेशनशिप कौन शुरू कर रहा है वेन एवर एड नो रिलेशनशिप अ बैक क्वालिटी जब आप रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं जब भी आप आई डोंट डों मई आई डोंट नो जब भी आप रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो आप क्या करते हैं आप जानबूझ करके सामने वाले शख्स में अच्छाइयां ही ढूंढते हैं और सामने वाला और आप दिखाते भी वही हैं। और जो बुराइयां हैं तो थोड़ी बहुत जैसे मान लो कभी लेट आना हुआ या फिर कोई चीज भूल गए या ये नहीं पूछा बाबू तुमने थाना था, था कि नहीं था या फिर गुड नाइट का मैसेज रिप्लाई करना भूल गए पहले ये इतना बड़ा स्यापन नहीं होता पहले होता नहीं इट्स ओके आई अंडरस्टैंड इट्स ओके फिर क्या होता है ये नया नवा नवा शुरू हुआ ठीक तो यानी क्यों पहले आना है क्यों यहां पे कहा पहले आ रहा है कहानी खत्म मैंने सोचा भी मुझे बहुत बताना पड़ेगा और कुछ मुझे बताना ही नहीं है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सबभूषण ऑन वन मोर गर्ल आई थिंक स्वाति वाज देयर रियांशी सेस डी शिका योर आंसर इज करेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स सुरभि योर आंसर इज करेक्ट जीपीएस ककराला हे हा गुड आफ्टरनून ऑप्शन नंबर ई मेरी जान है कहां वो uh, uh, नहीं है बेबी उधर है ही नहीं ओके गुड 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 आफ्टरनून आफ्टरनून इट्स मॉर्निंग बेबी बी बी इज इज द द आंसर आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दू अगर तुम तुक्के मार रहे हो तो मैंने मुक्के मार देने हैं ये मत करना लॉजिक समझ के काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया अगर लॉजिक लगा के तुमसे गलती हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तुम्हें यह क्लियर कर सकती हूं कि तुम्हारे लॉजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम कहा रह गया लेकिन अगर तुम ये तुक्केबाजी कर रहे हो ना एग्जाम के साथ ये नाटक मत करो राइट जस्ट डोंट डू दिस और लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बूम लेकिन अगर लगता है कि मैम ये वाला अगर होता तो गलत क्यों अगर कहीं पे ये आई आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इसीलिए होता है लाइव ओके आई मेन्द्र आई वॉन्ट टू ओपिनियन बी बट भूषण इज अंडरस्टैंडिंग ओके हिमेंद्रेट मी टेल यू वन थिंग हमें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय स्पेंड करने की जरूरत है डालेंगे बिकॉज सेंटेंस फ्रेमिंग का प्रॉब्लम है आपका ठीक है हिमेंद्र सेंटेंस फ्रेमिंग फ्रेमिंग का प्रॉब्लम है एंड वी विल हेल्प आपसे लूटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एट अरे मैं इसे ले नहीं कहती फालतू यही वजह होती है जो मैं कहती हूँ दैट

अरे ये छोटू सा है लेट्स डू इट गो इट वॉज एकदम से फील आया मेरे को तो ये पहला बता रहा है जब मैं प्रेसिडेंट बनी पहली बार एक्स वाई जी जो भी वो देश रहा हो और लास्ट कह रहा है स्टिल दे कॉल्ड मी तब भी वो मेरे को कॉल कर रहे थे या मुझे बुला रहे थे जो भी ये बता रहे हो अब हमारे पीक्यू आरएस आ रहे सारे भैया पी कह रहा है आई डिसाइडेड टू टेक अ टू वीक वेकेशन दो हफ्ते की छुट्टी लेने का सोचा एंड इट केप्ट राइट ऑन रिंगिंग अब ये तो इसके बाद होने से रहा रिंगिंग यहां से कहां से आ जाएगा दो दो हफ्ते की छुट्टी पे बट as soon as i arrived at my country house लेकिन जैसे मैं कंट्री हाउस पहुंचा द टेलीफोन बिगन रिंगिंग अच्छा यहां से टेलीफोन बिगिन कर रहा है तो यहां से अगर टेलीफोन बजना शुरू कर रहा है तो यहां Kept on, ये जारी रख रहा है तो यानी नहीं मैं आंसर बता रही हूं क्या हाँ टेल मी टेल मी आंसर आंसर टेल मी दें ओके आई वॉन्ट टू ऑप्शन बी ऑप्शन बी बोली शुरू हो चुकी है बोली लगाएं प्लीज ऑप्शन बी आ चुका है सिर्फ हेमेन की तरफ से पहला ऑप्शन आया है बी का लेट मी सी क्या okay, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बी हिमेंद्र ने बी बोला है चिन्मय ने भी बी बोला है हिमेंद्र आपने डी करा क्या सप्तदीप ने भी डी ही बोला यहां पे दो लोग आ गए बाकी लोग बी के लिए हैं सो तो मैं चार और कर रही हूं क्योंकि चार और कैंडिडेट बी के लिए हिमेंद्र डी हाँ हिमेंद्र मैंने मार्क कर दिया आपका बी मैं हटा दे रही हूं आपने बी नहीं बोला है तो मैं आपका एक बी का मार्क्स हटा दे रही हूं मैंने आपको डी वाले के लिए रखा हुआ है ठीक है सुरभि ने भी बी बता दिया ओके गॉट गॉट इट इट गॉट इट सो बस इट्स ओवर फाइव फोर थ्री टू वन ओके गॉट इट इट्स डन एवरीबॉडी लेट्स चेक इट आउट शुरू करते हैं 1992 में पहला पहला ईयर में प्रेसिडेंट बना एक्स वाई जी का ठीक है इसके बाद फिर ये यहां पे कह रहा है फोन बजना बजता ही रहा ये कह रहा है कि फोन बजना शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ और ये बजता रहा अगर मैं कुछ और नहीं देखूं तो मैं बस यही देख लू एक जगह शुरू हो रहा है एक जगह कंटिन्यू हो रहा है तो यानी कि आर के बाद क्यू चाहिए अपने को आर के बाद क्यू यही तो है बहुत ये मतलब मेरे को लग रहा था रीड करते करते ही मैंने आपको हिंट दे दिया था क्या जब एक कह रहा है कि जैसे ही मैं कंट्री हाउस पहुंचा टेलीफोन बजना शुरू हुआ एंड इट राइट ऑन रिंगिंग और वो बजता ही रहा फिर फाइनली ऑफ कोर्स सिटिंग आउट इन द कंट्री आई प्रोजेस्ट लेस इंफॉर्मेशन देन एनी वन एल्स एट अब अगर ये सारे सेंटेंसेस तुमको नहीं भी समझ आ रहे बिकॉज एज अ टीचर तो मैं समझ गया मगर एज अ स्कॉलर एज अ स्टूडेंट अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करने का इतना समझ के भाई अपने को दो का जोड़ा मिल गया ना एक जगह फोन बजना शुरू हो रहा है और एक जगह लगातार बजता ही चला जा रहा है राइट right? तो हमको दो पॉइंट मिल गए बाकी के दो तो अगर अपने को नहीं भी समझ में आ रहे हैं, तो जाने दे बस इतना संभाल के रखेंगे बस इतना ध्यान रखेंगे कि आर के बाद क्यू चाहिए यहां पे बजना शुरू हो रहा है और यहां पे कंटिन्यू कर रहा है तो आर के बाद क्यू ये कहीं भी हो सकता है मगर ये हो साथ में तो इसमें आर के पहले यहां पे सी आर के बाद क्यू एक ऑप्शन यहां पे आर और क्यू के बीच में एस है यहां आर और क्यू के बीच में एस है तो ऑप्शन बी ही तो करेक्ट हुआ बडी यानी कि पैरा जंबल करने के लिए तुमको पूरा रामचरित मानस पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसी कई चीजें होती है जो हम लोग को बड़े बुजुर्ग डांट डांट में समझा देते हैं जरूरी नहीं है कि अपने को पूरी किताब पढ़नी है सो ये तरीका होता है जहां से तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो You are not supposed to, इस पे आपको नॉवल नहीं लिखनी वो कनेक्ट करो चारो भाइयों में से जो सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं उन्हीं को रखो और देखो वो कौन है और बहुत कम ऐसा होता है जब वो तुम्हें कंफ्यूज करे वो कोई एक ही होता है जो निकल के आ जाता है ओके फाइन मैम थर्टी सेकेंड दे दिए करिए पढ़ने के लिए आप कुछ हाँ नो यार सही है सही बोल रहे है तू ओ शर्ट मिस्टेक एग्जैक्टली एग्जैक्टली हिमेंद्र ये थोड़ा सा जो तुम लोग चुके हो ना सत्य दिस वाज आई गेस सत्य का भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था लेट मी चेक इट आउट आई गेस ने भी डी ही बोला था सत्यदीप यस yes, सत्यदीप का भी आंसर डी में ही आ रहा था सो आई होप हिमेंद्र एंड सत्यदीप अभी आपको क्लियर है कि ऑप्शन डी करेक्ट का नहीं है रियान यस मैम आई अग्री टू मैं मैं क्वेश्चन रीड करने वाली यानी जब आपसे अभी दो बजे मिलूंगी तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और आपको थर्टी सेकेंड्स का टाइम दे दूंगी ठीक है अभी ठीक है चलो ठीक है अभी के लिए आप में से जितने लोगों के स्कोर यानी हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से शुरू किया था हमने थ्री क्वेश्चंस सॉल्व किए एक साथ हाँ जैसा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया लगा, ज्यादा मैंने सॉल्व कर दिया तो दो बजे वाले में मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं अपने घोड़े संभाल के रखूंगी आई होल्ड माई हॉर्सेस एवरी वन अभी के लिए गो एंड चेक इट आउट क्वेश्चन एक बार फिर से देखो कि तुम कहा बजे मिले ना तो तुम मुझे एक मुंह तोड़ जवाब दो मुंह तोड़ जवाब को पता क्या कहते हैं गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई सो मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब नहीं नहीं ये नहीं आई लव इट आपको आंसर ताबड़तोड़ सही वाले निकाल ढूंढने क्योंकि आज हम पैरा जम्बल को बाय बोल रहे हैं तो मैं चाहती हूँ स्माइलिंगली बोल दें So, all of you, another class is at 2 live. So, till then, bark it out, refresh yourself, have something, do some work. Come back to me at 2. I'm waiting right here. Till then, keep smiling and keep missing the classes. Bye bye bye. Take care. Bye. Meet at 2.